दीदा दीदा मम्मी दीदा किधर है? ओए ये रही तेरी दीदा। आप कहाँ से आ रहे हैं? मंदिर गई थी पूजा करने। क्या मंदिर? दीदा पूजा करने? खा गए ना चक्कर। कैसा लगा मेरा मजाक? अरे हवाइयां उड़ गई तुम लोगों के चेहरे पे। अरे मैं नहीं गई थी मंदिर, वो तो मीरा गई थी और मैं उसकी थाली उठा के ले आई। इतनी बड़ी हेरा फेरी? अरे भाई अब नाटक रियल होना चाहिए ना, और फिर तुम लोगों के चेहरे से ये हवाइयां कहाँ देखने को मिलती मुझे। चलो चलो शौक से बाहर निकलो और नाश्ता लगाओ। दीदा आप ना ये डार्लिंग दीदा से ना मेरी डेंजरस दीदा बनती जा रही हो। हां ये क्या प्रैंक प्रैंक सुबह सुबह? अरे अरे मैं जाता हूं। अरे तू बैठ जा। अरे देख ले। हैव योर ब्रेकफास्ट, सिट डाउन। मैं हूं ना देखने के लिए। ओके मम्मी। अच्छा मैं बताना भूल गई थी, कल प्राची का फोन आया था। क्या बोला? कह रही थी आलिया का फोन रह गया उसके पास। मैंने कहा कि आप लोग रणबीर कॉल लिए जी। रणबीर कोहली कहिए। आपका हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। एक सेकंड, पुलिस स्टेशन क्यों? क्या किया है रणबीर ने? पैसा चोरी करने का इल्जाम है इनके ऊपर। ये क्या बकवास कर रहे हैं? मेरा बेटा चोरी नहीं कर सकता। आप लोग तो मेरे पोते के पीछे पड़ गए हैं, जब देखो तब यहाँ चले आते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। एक मिनट पीजी, लेट मी टॉक टू हिम। देखिए इंस्पेक्टर साहब आपको कोई गलतफहमी हुई है। आप हमें देखिए, हमारा घर देखिए, देखिए आप देख रहे हैं ना, कि आपको लगता है कि मेरा बेटा पैसों के लिए चोरी करेगा? देखिए वो सब पूछताछ करने के बाद पता लगेगा। चलिए। दिमाग खराब हो गया आप लोगों का, कहीं नहीं जाएगा रणबीर। बीजी मैं बात कर रहा हूँ ना। हाँ तो जैसे तेरी बात समझेंगे वो। देखिए मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, आपसे कोई गलती हुई है इंस्पेक्टर साहब। मैं गलती हमसे नहीं हुई है, कंप्लेनेंट के खिलाफ चलना तो पड़ेगा। चलिए। अरे क्या चले, कहाँ जा रहा है तू, पागल हो गया क्या? बेटा अगर कोई एक्सीडेंट होता या फिर कोई मारपीट का केस होता तो ठीक है मैं समझता, लेकिन चोरी के लिए तू काम डाउन। आप मेरी बात सुनिए, अब कंप्लेंट रजिस्टर हुई है ना, तो उनको भी तो ऑफिशियल प्रोसीजर फॉलो करना है, तो आई थिंक मुझे जाना चाहिए, और अगर मैं इनोसेंट रहा तो मैं वापस आ जाऊंगा। आई विल कम बैक। चलिए आप चलिए। एक सेकंड मुझे बताइए कि ये केस किससे किया है? कंपनी की तरफ से, और कंपनी का नाम है फ्यूजन बीट्स। फ्यूजन बीट्स? इंस्पेक्टर ये हमारी ही कंपनी है। देखिए मैं कह रही थी ना, I was quite shocked, कोई गड़बड़ हुई है आपसे। आपने जो अभी नाम लिया ना वो हमारी ही कंपनी है। अरे मुझे बताइए कोई अपनी कंपनी के पैसे चोरी कौन करेगा, और ऐसे कौन लोग हैं जो अपनी कंपनी के ओनर के खिलाफ केस करेंगे? देखिए वो सब हम नहीं जानते, पर आप इतना जान लीजिए कंप्लेंट जिसने की है उसका नाम है वर्षा। वर्षा? कौन वर्षा? Who's वर्षा? हम ये सब बात में करेंगे, अभी मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए। रणबीर रणबीर उनके साथ जाने के लिए मान कैसे गया? रणबीर सही कह रहा है वैसे, अगर वो इनोसेंट होगा तो आ जाएगा ना वापस, लेकिन फिलहाल ये वर्षा के बारे में पता करता हूँ। अरे हाँ ये वर्षा तो आलिया की नई सेक्रेटरी है ना, अभी को पूछता हूँ। उठा नहीं रहा वो, आलिया को ट्राई कीजिए, हो सकता है वो वर्षा उसी के साथ हो। कीजिए ट्राई जरा। करो सीसीटीवी फुटेज चेक करो और सारी डिटेल्स पुलिस को दे देना, उसमें कंपनी का मालिक भी हो तो घबराना मत, चोर को सजा मिलनी चाहिए। समझ गई क्या करना है? ओके मैम। और अपना फोन ऑफ कर देना, डोंट आस्क मी व्हाई। पहला स्टेप कंप्लीट हुआ और दूसरा स्टेप मेरे अलावा और कोई नहीं जानता, तो ये गेम तो मैं ही जीतूंगी ना। अरे वो मीरा आंटी की पूजा की थाली का है, मुझे उसमें से ना प्रसाद चाहिए।
क्या हुआ? Everything okay? आप लोग काफी worried लग रहे हैं। रणबीर को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। What? क्यों? कंपनी के पैसे चुराने के केस में। What nonsense? मैं डैड से बात करती हूँ। मैं कब से उसी को लगा रहा हूँ, नहीं उठा रहे वो। मैं बूजी को ट्राई करती हूँ। अरे उसे भी किया फोन, लेकिन वो भी नहीं उठा रही है। मेरा फोन उठाएगी? मैं बात करती हूँ ना। I'll do something. मैं कुछ करती हूँ। प्रिया, listen. दिमाग में कुछ चल ही नहीं रहा था। दिमाग में से प्राची 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 चल रही थी। मुझे लगा बस उसको बचाना है, तो I just couldn't think of anything. ये सब कुछ प्राची की वजह से हो रहा है। It's all because of प्राची. शाना, शाना, दरवाजा खुला छोड़ के पता नहीं कहाँ चली जाती है पागल लड़की। क्या कहा तुमने रणबीर से? क्या कहा तुमने? ये क्या तरीका है किसी के घर आने का? सही तरीके तुम्हारे पास ही है प्राची। हाँ, डोंट एक्ट लाइक माई एल्डर सिस्टर। मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। तुमने ऐसा क्या कहा रणबीर से? हाँ, कभी नहीं बदलोगी। मैं कभी नहीं बदलूंगी। दैट्स राइट प्राची, लेकिन मैं सब कुछ बदल सकती हूँ, समझी तुम? और जो मैं तुमसे पूछ रही हूँ उसका मुझे साफ साफ जवाब दो। तुमने रणबीर से ऐसा क्या कहा जिसकी वजह से उसे अपनी कंपनी से पैसे चोरी करने पड़े? क्या रणबीर ने चोरी की? प्लीज डोंट स्टार्ट योर एक्टिंग, ओके? और ये मत बोलना कि मुझे कुछ नहीं पता है करके, ठीक है? नहीं, मुझे सच में कुछ नहीं पता है, लेकिन ये जरूर पता है कि रणबीर कोई गलत काम नहीं करेगा और चोरी तो बिल्कुल नहीं करेगा। उसने की है, उसने वो 10 लाख रुपए चोरी किए है प्राची। और मुझे एक बात बताओ, वो 10 लाख रुपए उसके पास कहाँ से है? उसने अपने घर वालों को वो 10 लाख रुपए क्यों दिए? ताकि तुम पर ब्लेम ना आए, जानती हो ना तुम? उसने चोर को पकड़ा था। उसने कोई चोर वोर नहीं पकड़ा था। ये तुमसे किसने कहा? जिसने वो पैसे चोरी किए थे उसे तो रणबीर ने पकड़ लिया था। मेरे आदमी को कोई पकड़ ले, हो ही नहीं सकता। अब तुम मुझसे काउंटर क्वेश्चन करोगे? तुम मुझसे पूछोगे कि मुझे क्या पता है और क्या नहीं पता है? प्राची, मैं जो तुमसे पूछ रही हूँ उसका मुझे साफ साफ जवाब चाहिए। मुझे साफ साफ बता प्राची कि तुमने ऐसा उससे क्या कहा जिसकी वजह से उसे अपनी ही कंपनी से पैसे चोरी करने पड़े? हाँ, मैंने उससे कुछ नहीं कहा है, और गलत काम करने को तो कभी नहीं कहूंगी। गलत काम करने के लिए तो कभी नहीं कहूंगी। माई फुट, यू नो व्हाट प्राची, तुम गलत हो, एंड तुम ना गलत बाय बर्थ हो। आज तुम्हारी वजह से रणबीर के ऊपर ब्लेम है, और आज तुम्हारी वजह से वो जेल में, जानती हो ना तुम? रणबीर जेल में है? आई न्यू इट। ये भी तुम्हें नहीं पता है ना? तुम्हें कैसे पता होगा? मुझे सच में नहीं पता, लेकिन मुझे सब कुछ पता है प्राची। आई नो एवरी गॉडडैम थिंग। ये तुम्हारा प्लान है? तुमने पहले वो पैसे चोरी कर लिए, अपने पास रख लिए, फिर रणबीर के पास गई कि रणबीर मेरे पास से वो पैसे चोरी हो गए, मेरे पास वो पैसे नहीं है, मैं क्या करूंगी, मैं कहाँ जाऊंगी? फिर रणबीर ने इमोशनल फूल बनके अपने ही कंपनी से वो पैसे चोरी कर लिए ताकि तुम्हारे ऊपर से ब्लेम हट जाए और तुम्हें क्लीन चिट मिल जाए, है ना? दिस इज योर प्लान, राइट? मैं से बिना सोचे समझे मुझ पे ब्लेम नहीं लगा सकती। अरे तुम्हारे ऊपर तो बिना सोचे समझे ही ब्लेम लगाना चाहिए। तुम्हें काम क्यों नहीं करती प्राची? तुम ये सारा सामान बांध के वापस होशियारपुर क्यों नहीं चली जाती? क्योंकि तुम यहाँ रहती हो ना, तुम सब कुछ बर्बाद करती हो। यू जस्ट स्पॉइल एवरीथिंग दैट यू टच, एवरीथिंग। अरे रुको, मेरी बात अभी तक खत्म नहीं हुई। प्राची, कहाँ जा रही हो? प्राची, पूछी कहाँ है? संभालना माँ, प्राची प्रज्ञा की ही बेटी है, तो फिर ऐसा लग क्यों नहीं रहा है कि उसके साथ मेरा ब्लड रिलेशन है? वो भी तो भाई की बेटी है, पर क्लोजनेस वाली फीलिंग, अपनापन वाली फीलिंग, ऐसा कुछ नहीं फील हो रहा। आ रहा है तो बस गुस्सा, सिर्फ गुस्सा। बहुत परेशान किया है उसने मेरी रिया को। पहले तो सिर्फ गुस्सा आता था, एंड नाउ आई जस्ट हेट हर। ऑफ कोर्स प्रज्ञा की बेटी जो है प्राची, इसे कहते हैं डेस्टिनी। बहुत कहती थी ना मुझे कि जो है जितना है उतने में खुश रहो, सब बकवास था, बकवास। बकवास नहीं है, जिंदगी की सच्चाई है। जितना है ना उसमें खुश रहना सीखो आलिया, क्योंकि अगर पैसा ही सब कुछ होता ना तो प्यार को बिजनेस के नाम से जाना जाता। तुम कुछ भी करो लेकिन ऑनेस्टी बहुत जरूरी है, वरना इतनी अकेली रह जाओगी ना कि तुम्हारी परछाई तक नहीं दिखेगी। जस्ट लीव मी अलोन प्रज्ञा। आई एम गोइंग, जा रही हूँ मैं। और फिक्र मत करना, तुम्हारे इस बेईमानी का जिक्र मैं किसी से नहीं करूंगी, क्योंकि जिन्हें दुख होगा ना वो मेरे अपने हैं, और ज्यादा दुख उन्हें इस बात का होगा कि तुमने चोरी इसलिए की ताकि तुम मुझे फंसा सको। अभी भी वक्त है आलिया, सुधर जाओ। आलिया ना बदलने वालों में से है और ना सुधरने वालों में से।
जो तुम्हारे साथ नहीं हुआ प्रज्ञा, वो तुम्हारी बेटी के साथ जरूर होगा। तुम्हारे नाम के आगे चोर का टैग नहीं लगा, लेकिन तुम्हारी बेटी के नाम के आगे चोर का टैग जरूर लगेगा। पहले किसी ने नहीं कहा कि प्रज्ञा चोर है, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि प्रज्ञा चोर की माँ है। बहुत बड़ा हिसाब पूरा करना है प्रज्ञा तुम्हारे साथ। तुम्हारे नाम के आगे चोर का टैग ना लगा दिया तो मेरा नाम भी आल या नहीं। पूजी, आप यहाँ पे आराम से बैठी हुई है, आपको पता भी हुआ क्या है? क्या हुआ? रणबीर अरेस्ट हुआ है, वो भी अपने ही कंपनी के पैसे चोरी करने की वजह से। वहाँ घर पे सब लोग परेशान है और आप यहाँ पे अभी आराम से चिल कर रही है पर किसी का फोन भी नहीं उठा रही है। गेम चल रही है स्वीटहार्ट। आप अपनी चाल चलने के बाद कंपटीटर्स पे नजर रखते हो ना कि आगे वो क्या करेंगे? बुजी, इसका मतलब आपको सब कुछ पता था? आपको आपको पता था कि रणबीर ने अपनी कंपनी के पैसे चुराए? मुझे हाउ कुड यू डू दिस? आपने अपने एक बार भी रणबीर के बारे में क्यों नहीं सोचा? रिलैक्स। मुझे मैं कैसे रिलैक्स करूं? हाउ कैन आई जस्ट रिलैक्स? रणबीर इस वक्त जेल में इसीलिए है क्योंकि ऐसा मैं चाहती हूं। उसे रिवॉर्ड तो मिलना चाहिए ना प्राची की हेल्प करने की। रणबीर ने प्राची की हेल्प की ताकि प्राची को क्लीन चिट मिले। किसी और मैटर में दोबारा वो उसकी हेल्प करता और फिर प्राची की हेल्प करना उसकी आदत बन जाती है। इंसान बदल जाते हैं लेकिन आदतें आदतें नहीं बदलती। और इस बार ये जरूरी था कि रणबीर ये फील करे कि प्राची उसके लिए अनलकी है। अब प्राची उसके लिए मंदिर की घंटी भी बजाएगी ना तो रणबीर की बैंड बज जाएगी। और ये जरूरी भी था उन दोनों के बीच में गैप क्रिएट करने के लिए ताकि वो दोनों पास ना आ सके। मुझे आप नहीं समझ रही है, प्लीज कुछ करिए ना। मैं रणबीर को जेल में नहीं दे सकती। प्लीज जस्ट डू समथिंग, जस्ट डू समथिंग अबाउट इट। आई कांट सी हिम इन द जेल। प्लीज प्लीज करना सीखो, बर्दाश्त करो। डोंट वरी, मैं रणबीर को बाहर जरूर निकाल लूंगी। एक दिन हवालात में रहेगा, रणबीर के दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। और ये जरूरी भी है तुम्हारी अपनी लव स्टोरी के लिए। आई वांट रणबीर आउट ऑफ द जेल। प्लीज प्लीज आई वांट रणबीर आउट ऑफ द जेल। यार, जब प्राची को पता चलेगा कि वो सब झूठ था, क्या सोचेगी मेरे बारे में? तुम ही बताओ क्या सोचूंगी। प्राची, तुम तुम्हें पता था मैं झूठ का साथ कभी नहीं दूंगी। तुम्हें ये भी पता था तुम्हारी सरकत से बहुत गुस्सा होगी मैं, फिर भी तुमने ये किया। चोरी, झूठ बोला, क्यों किया तुमने ये सब? क्या कहा था तुमने? तुमने चोर को पकड़ा, पैसे वापस लिया, तुमने पूरी की पूरी झूठी कहानी बना दी रणबीर। और सबसे बड़ी बात, वो पैसे तुमने ऑफिस से चुराए, कंपनी से चुराए, क्यों किया ये सब? किसके लिए किया ये बताओ? तुम्हारे लिए किया और किसके लिए करूंगा? मैं जो कुछ भी करता हूँ किसके लिए करता हूँ? तुम्हारे लिए करता हूँ। मेरे सारे एफर्ट्स, मेरे सारे झूठ सब तुम्हारे लिए तो थे। और जब तुम इतनी अच्छी हो, मैं नहीं देख सकता हूँ किसी और की आंखों में तुम्हें खराब। मुझे अच्छा दिखाने के लिए तुमने ये गलत काम किया, चोरी की, झूठ बोला। तुम्हें क्या करता प्राची? कहाँ से लाता 10 लाख रुपए? मैं ले आती पैसे। तुम कहाँ से लाती 10 लाख रुपए? कहीं से भी ले आती। मैं सरिता आंटी की मदद ले लेती, माँ की ज्वेलरी मांग लेती, नौकरी करती, लोन लेती, कुछ भी करती, लेकिन पैसे मैं ही वापस करती। करती क्यों अरेंज? लेकिन तुमने चोरी करी है। तुमने चोरी करी? नहीं, तुमने चोरी करी तो तुमने तुम क्यों करोगी अरेंज जब तुमने चोरी नहीं करी? वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मेरी जिम्मेदारी थी वो पैसे संभालना जो मैं नहीं कर पाई। I failed miserably। अच्छी, तुम इतनी महान मत बना करो। जो चीजें नॉर्मली सॉल्व हो सकती है ना, उसमें तो महान थी। कुछ सॉल्व नहीं हुआ है। जो चार्जेस मुझ पे थे वो तुम पे है। तुम यहाँ यहाँ पड़े हो मेरी वजह से। क्या सॉल्व हुआ है? प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है, बस यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो गई है। How could you be so irresponsible, stupid Ranbir? Family के बारे में सोचा? पल्लवी आंटी के बारे में? तुम्हारी दीदा के बारे में? सर के बारे में सोचा तुमने? तुम सबके बारे में सोचो। तुमने एक बार मेरे बारे में सोचा कुछ? तुम्हें थैंक यू बोलूं? ताली बजाओ कि वाह रणबीर, तुमने बहुत अच्छा काम किया। नहीं, तुमने अच्छा काम नहीं किया, तुमने गलत काम किया। रणबीर, गलत को किसी भी एंगल से देखो ना, वो गलत ही होता है, वो सही नहीं होता। तुमने अपनी दोस्ती निभाई, मेरा साथ दिया, मुझ पे भरोसा किया, इतना काफ़ था। तुमने ना सबके साथ गलत किया, सबके साथ चीट किया तुमने, और इससे ना किसी का भला नहीं होने वाला है। Nobody's gonna benefit। सब कुछ वैसा ही है। Everything is in fact back to square one। मेरे charges तुम पे लग गए। तुम यहाँ यहाँ हो जेल में। पैसे अब भी गायब हैं। अभी भी मैं suspect हूँ। Nothing has changed। कुछ मत बोलो। वरना मैं कुछ ऐसा बोलूँगी कि खुद भी regret करूँगी बाद में। पता नहीं कौन कहता है कि किसी के भले के लिए अगर झूठ बोला जाए तो वो अच्छा होता है। वो अच्छा कैसे हो सकता है? वो झूठ होता है। कभी बोल को सच नहीं बदल सकता। झूठ से और झूठ बाहर निकलते। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने। जो मेरे लिए किया है ना, किसी के लिए मत करना। क्योंकि जब मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं होंगी, सब तो होंगे ना, बाकी सब तो होंगे, तुम्हारी फैमिली होंगी। किसी के लिए ये मत करना। बहुत से मैंने प्राची,
मैं प्राची की तरह नहीं सोचती। तो तुम मुझसे बात कर सकते हो। I'm sorry, रिया, सब मेरी वजह से हुआ है। I made a mess. इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम दोनों दोस्त हो ना? फ्रेंड्स तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं ना। So, the thing is, वो तुम्हारा तरीका देख रही है, तुम्हारी फीलिंग्स नहीं। वही तो मैं तब से उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी फीलिंग्स ना देखे, पर समझे ना कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं क्या करता। ऑप्शन था तुम्हारे पास रणबीर, यू हैड द ऑप्शन ऑफ डूइंग नथिंग। कुछ ना करना भी एक ऑप्शन था। तुमने अपने फ्रेंड की हेल्प करने की कोशिश की, राइट? वो डिसीजन, दैट वाज एब्सोल्युटली राइट, यू वर एब्सोल्युटली राइट विद दैट। लेकिन जिसके लिए किया, दैट्स वेयर यू वेंट रॉन्ग। वो नहीं करना था रणबीर। हेल्प उसी की करनी चाहिए जो तुम्हारी फ्रेंडशिप की कदर करे, उसकी नहीं जो तुम्हारी फ्रेंडशिप की रिस्पेक्ट नहीं करता। नहीं नहीं रिया, तुम गलत समझ रहे हो। प्राची मेरी बहुत मदद करती है, फ्रेंडशिप की भी बहुत कदर करती है। उसने मेरे को माया से हेल्प करी थी काफी। ओह प्लीज स्टॉप दिस माया बिजनेस। ओके, तो माया के रिलेशनशिप से ऐसे निकल सकते हो, यू नो दैट्स नॉट अ बिग डील। द थिंग इज, वो तुम्हारे लिए इतना बड़ा रिस्क कभी नहीं लेगी। ओके, यू नो दैट। उसके लिए ना उसकी फैमिली, उसके संस्कार, उसके खुद के बनाए हुए पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशन सब उसके हैं। शी थिंक्स अबाउट हरसेल्फ। वो तुम्हारे बारे में नहीं सोचती है। लेकिन मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ। आई केयर फॉर यू। एंड प्लीज हाँ, किसी की हेल्प करने के लिए तुम इतना ईमो मत हो जाना। ओके, किसी की हेल्प करनी हो, टॉक टू मी, कम टू मी, कैन हेल्प यू। आई विल टेल यू कि किसकी कैसे किस लेवल तक हेल्प करनी चाहिए। You're getting what I'm saying? No, I don't think so. चलिए मीटिंग खत्म कीजिए, मिलने का टाइम पूरा हो गया। इतनी जल्दी? हाँ जी। जाइए। Bye. Bye. Thank you. How could you be so irresponsible and stupid, Ranveer? Family के बारे में सोचा? पल्लवी आंटी के बारे में? तुम्हारी दीदा के बारे में? सर के बारे में सोचा तुमने? सही बोल रही थी प्राची, मुझे ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। फैमिली के बारे में सोचना चाहिए था, मम्मी डैडी, कुछ नहीं सोचा मैंने। प्राची वाज राइट। इसको बुलाओ। हाँ? इंस्पेक्टर कहाँ? बुलाओ इसको। अरे वो रहा, चलो जल्दी चलो, इसको बुलाओ अभी। इंस्पेक्टर साहब, हम वो सेक्रेटरी को ढूंढ नहीं पा रहे। मिसिंग कंप्लेन कराने के लिए 24 घंटे वेट करना पड़ता है। हम यहाँ मिसिंग कंप्लेन कराने नहीं आए, अपने बेटे रणबीर के लिए आए। मतलब ये है कि इंस्पेक्टर साहब, जिसने हमारे बेटे के खिलाफ कंप्लेंट की थी ना, वो कहीं मिल नहीं रही है। मतलब वो घर पे भी नहीं है और फोन भी स्विच्ड ऑफ है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें हम। हमने उसके सारे कॉन्टैक्ट्स ट्राई कर लिए लेकिन शी इज अनट्रेसेबल। देखिए इंस्पेक्टर साहब, उसने कंपनी के पैसे मिसिंग होने की कंप्लेंट की थी सर, हमारी कंपनी के, और हम जानते हैं कि उसमें हमारे बेटे रणबीर का कोई हाथ नहीं है। देखिए उसने कुछ नहीं किया। अरे आप ही बताइए, वो अपने ही कंपनी के पैसे कैसे, इट्स नॉट पॉसिबल ना। प्रूफ है हमारे पास। प्रूफ? आपके बेटे ने ही चोरी की। वर्षा ने कंप्लेन कराते वक्त ऑफिस की सीसीटीवी फुटेज भी सबमिट कराई थी। वो कंपनी का मालिक है तो वो तो होगा ही ना वीडियोस में। देखिए आप, वर्षा ने कंप्लेन की थी ना, तो वो हमारी एम्प्लॉय है, हम उसके बिहाफ पे ये कंप्लेन वापस लेते। ओके, ऐसा नहीं होता, कंप्लेन करने वाले को आना होता है। अरे क्या मजाक कर रहे हैं सर, दिन भर में कितने चोरी के केस यहाँ दर्ज होते हैं, कितनों को तो आप वार्निंग देके छोड़ देते हैं। हम आपसे प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं कि हमारे बेटे को भी छोड़ दीजिए ऐसे, प्लीज। आपका बेटा कोई सुरक्षा चोर नहीं है, मीडिया की नजर है इस केस पर। मैं ऐसे किसी को नहीं छोड़ सकता, फुल इन्वेस्टिगेशन होगी। अगर आपको कंप्लेंट वापस लेनी है तो वर्षा को लेकर आइए। कह रहे हैं आपसे वो, शी इज नॉट रीच, जस्ट इम्पॉसिबल। हां बोलो आलिया। हेलो विक्रम, तुमने कॉल किया था? सॉरी मैंने तुम्हारा कॉल नहीं देखा, फोन साइलेंट पे था। और जब देखा तो रिया के नंबर से, घर से तुम्हारे नंबर से मिस कॉल देखी। इज एवरीथिंग ऑल राइट? नथिंग इज वेल आलिया, एक्चुअली रणबीर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया चोरी के केस में। अरेस्ट? बट व्हाई इज ही अरेस्टेड? कुछ समझ में नहीं आ रहा है आलिया मुझे। ओके, तुम एक काम करो, मैं पुलिस स्टेशन जाके तुम्हें वहां से कॉल। अरे नहीं आलिया, हम लोग पुलिस स्टेशन में ही खड़े हैं अभी। मुझे दीजिए आलिया, हम यहां पुलिस स्टेशन में आए हैं। लेकिन वो इंस्पेक्टर कह रहे हैं कि जब तक वर्षा को ढूंढ के ना लाए और वर्षा कंप्लेन वापस ना ले, कुछ नहीं हो सकता। पल्लवी, तुमसे बात करने से पहले मैं वर्षा को ही कॉल कर रही थी, पर उसका फोन स्विच्ड ऑफ है। हाँ आई नो, उसका फोन बंद है। बट डोंट वरी, इंस्पेक्टर से कहो कि रणबीर कंपनी के मालिक का बेटा है, वो अपनी कंपनी से चोरी क्यों करेगा। पता नहीं, ये लोग कह रहे हैं कि केस आउट ऑफ हैंड हो गया है, फुल इन्वेस्टिगेशन होगी। वर्षा को ले आना, दैट्स आवर ओनली चांस। प्लीज प्लीज
प्लीज आलिया, तुम कहीं से भी ढूंढ कर वर्षा को यहाँ ले आओ। वर्षा ही ये कंप्लेन वापस ले सकती है। ऑफ कोर्स पल्लवी, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ वर्षा को ढूंढने की। डोंट वरी, बहुत जल्द वो मेरे सामने होगी। ऑलराइट, टेक केयर। प्लीज, एक एडवाइस है आपके लिए। जी जी बोलिए। या तो वर्षा को ले आइए या अच्छा लॉयर। टांग तोड़ने के लिए पैसे काफी है ना मैम? एक्टिंग करनी है इस रियल वर्ल्ड में ना, रियल कुछ नहीं होता, सब एक्टिंग होती है। सॉरी रणबीर, तुम टारगेट नहीं हो, सिर्फ मोहरा हो प्रज्ञा को हराने के लिए, इसलिए तुम्हें मेरे हिसाब से चलना होगा।